नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर विगुल बच चुका है, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से 41 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। इस लिस्ट में 6 सांसदों को रणनीति के तहत बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लिस्ट आने के बाद लगातार सांसदों का विरोध शुरू हो गया है। राजौर विधानसभा सीट से मौजूदा सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतार दिया गया है। देवजी पटेल का नाम सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। विधायक देवजी पटेल का उनके क्षेत्र में जोरदार विरोध हुआ है। देवजी पटेल को काले झंडे दिखाए गए हैं, विरोध में नारे भी लगाए गए हैं और इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवजी पटेल को सांचौर में विरोध का सामना करना महंगा पड़ गया है। दरअसल लोग ने काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए और इसके साथ ही प्रवेश भी वर्जित कर दी। इसके साथ ही तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी भी की है और इस दौरान सांसद देवजी पटेल अपनी गाड़ी में सवार थे। लोगों का विरोध देखकर कार के शीशे ऊपर कर लिए देवजी और इसके साथ ही सामने खड़े लोगों को, कार के आगे खड़े लोगों को दूर हटाने का कुछ लोग प्रयास करते भी दिख रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने काफिले ने पथराव कर दिया। काफिला जैसे ही आगे बढ़ा तो उत्तेजित लोगों ने काफिले पर पथराव कर दिया, जिससे काफिले की एक गाड़ी का पीछे का शीशा टूट गया है। जानकारी के अनुसार यह हमला सुबह के करीब 10:30 बजे सांचौर से 7 किलोमीटर की दूर पर हुआ है। उस समय सांसद और बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल पथमेड़ा से आ रहे थे और उनके साथ खुद की गाड़ी समेत 7 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उनके वहां में पथराव कर दिया, जिसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इससे एक बारगी हड़कंप मच गया है और उसके बाद हमलावर भाग गए हैं। इस हमले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती दौर में इस हमले में असंतुष्ट धड़े का हाथ होने की आशंका देवजी पटेल के समर्थक की तरफ से जताई जा रही है। वहीं सांसद देवजी पटेल ने इसमें विरोधियों के षड्यंत्र की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस थाने में कोई भी FIR दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमले का ये मामला चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सांसद देवजी पटेल का विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से बीजेपी के अंदर यहां स्थानीय स्तर पर विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। देवजी पटेल को टिकट दिए जाने का दूसरा दावेदारों के समर्थन द्वारा विरोध किया जा रहा है। सांसद देवजी पटेल भी शामिल हैं जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। पटेल ही नहीं बल्कि बीजेपी की पहली सूची में घोषित किए गए प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। विरोध की बढ़ती चिंगारी थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।